हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त शीतल वर्मा, करियर काउंसलर एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। बहुत सारे टेलीफोन कॉल्स मुझे आते हैं, लोगों के मैसेजेस आते हैं कि मैडम, जब हमें पता चलता है कि हमारा पार्टनर जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला गया है तो बहुत दुख होता है, हम क्या करें, बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है। देखिए, जब किसी को भी पता चलता है कि उसका पार्टनर जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो दुख होना, पीड़ा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि हर किसी को ये लगता है कि ये क्यों हो गया। जब मैं किसी से इतना कंसर्न हूँ, प्यार करता हूँ, तो सामने वाले ने क्यों मेरा ट्रस्ट तोड़ा, क्यों उसने मुझे धोखा दिया, ये सवाल सबके मन में आते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों लोग इस तरह की चीज़ों में फंस जाते हैं और फिर हमें क्या करना चाहिए अपनी शादी को बचाने के लिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आखिर कितने तरह के होते हैं जिसमें लोग चले जाते हैं। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनों के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि अब हमारे रिश्ते में वो रोमांस नहीं रहा, वो चीज़ें नहीं रही, अब वो क्या करते हैं कि इस रोमांस को, इस प्यार को बाहर ढूंढने लग जाते हैं और वो कोई ऐसा इंसान उन्हें मिलता है जो उनको लगता है तो बहुत रोमांटिक है, बहुत अच्छी बातें करता है, बहुत रोमांटिक बातें करता है और वो उसकी तरफ इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि उनको लगता है कि हम एक दूसरे के साथ प्यार में हैं। रोमांटिक अफेयर जो है इसमें फिज़िकल और इमोशनल कनेक्शन रहता है, लोग एक दूसरे के साथ इंटेंस रोमांटिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। अच्छी अच्छी बातें करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना और धीरे धीरे फिर एक दूसरे के साथ वो इमोशनल डिपेंडेंसी भी उनकी हो जाती है। इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप के साथ साथ इमोशनल डिपेंडेंसी भी रहती है। सो रोमांटिक रिलेशन जो अफेयर्स हैं वो भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो है एक टाइप है जिसमें अक्सर लोग जो है वो फंस जाते हैं, बस इसी वजह से कि उनको ये लगता है कि अब हमारे पार्टनर में वो रोमांस नहीं रहा, वो अट्रैक्शन नहीं रही और इस वजह से वो बाहर किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। दूसरी टाइप का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो कैजुअल अफेयर। इसमें क्या होता है कि लोग एक दूसरे के पास तो आते हैं लेकिन वो एक दूसरे के साथ भावनाओं से जुड़े नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक दूसरे के पास इसलिए आते हैं क्योंकि वो अपनी सेक्सुअल नीड को पूरा करना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं उनके अपने पार्टनर से पूरी नहीं हो रही होती हैं। बस इसी वजह से वो दूसरे इंसान के साथ मिलते हैं और वो अपनी जो फिज़िकल नीड्स हैं उसको पूरा करते हैं, बस ये अफेयर इसी तक रहता है। तीसरे टाइप की अगर हम अफेयर की बात करें तो ये ऑनलाइन और साइबर अफेयर जो कि बहुत कॉमन होता जा रहा है। आज लोग कहीं भी किसी भी कोने में बैठे एक दूसरे के साथ आराम से कनेक्ट हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे आपने किसी को देखा, आपको वो इंसान अच्छा लगा, अब उसके साथ आप मैसेज करने लग गए या फिर आप ईमेल करने लगे, चैटिंग करने लग गए, आपने एक दूसरे को नंबर शेयर कर दिया, उसके थ्रू आप बातें करने लग गए या फिर इसी तरह से स्टार्ट होता है। और इसमें लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते नहीं होते हैं, बस थोड़ी ऐसी चीज़ें एक दूसरे के बारे में पता होती हैं। इस टाइप के अफेयर में भी लोग जो हैं वो एक दूसरे की भावनाओं से जुड़ जाते हैं। इसके अलावा सेक्स चैट करना, ये दूसरी इस तरह से एक्शन ये चीज़ें वो करते हैं, वो सेम वही ट्रिगर देते हैं जो फेस टू फेस अफेयर में लोगों की एक दूसरे के साथ रहती हैं। तो ऑनलाइन अफेयर जो है ये भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की टाइप है जो कि आजकल बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। जब पति पत्नी के रिश्ते में प्यार नहीं होता है, बदले की भावना होती है, एक दूसरे के प्रति गुस्सा होता है, एग्रेशन होता है, एक दूसरे के प्रति रिवेंज की भावना होती है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो रिवेंज अफेयर के रूप में सामने आता है। लोग एक दूसरे से रिवेंज लेने के लिए अफेयर चला लेते हैं। एक पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर के प्रति गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने जो उसके अंदर जो उसके लिए अच्छी भावनाएं नहीं हैं, ये दूसरे पार्टनर को पीड़ा देने के लिए, कष्ट देने के लिए रिवेंज की भावना से किसी और व्यक्ति के साथ अफेयर कर लेता है। उसको लगता है कि अब तो मैं दिखाता हूँ या दिखाती हूँ कि मैं भी, लोग भी मुझे पसंद करते हैं और दूसरे भी लोग मुझे पसंद करते हैं, जो भी सारी चीज़ें। कहने का मतलब ये है कि रिवेंज की भावना से दूसरे इंसान के साथ अफेयर कर लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर को हमें पेन देनी है, उसको तकलीफ देनी है, उसको कष्ट देना है। इस वजह से भी लोग जो हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं जिसे रिवेंज अफेयर फिर हम कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक इंसान जो है वो अपने पार्टनर से अपने इमोशनल फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते हैं, उनका पार्टनर उनके साथ इमोशनली उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पाता है जिस तरह से सामने वाला चाहता है। तो फिर होता क्या है कि पार्टनर जो है वो अपने इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए बाहर चला जाता है, उसको लगता है कि कोई और मुझे बाहर समझेगा, सुनेगा मेरी बातें,
तो कभी कभी लोग जो हैं वो इमोशनल अफेयर में भी फंस जाते हैं कि घर में उनको लगता है कि मेरे पति या मेरी पत्नी मुझे उतनी अच्छी तरह से नहीं समझती, मेरी वैल्यू नहीं करती है, मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेती, मेरी भावनाओं को उतने अच्छे से नहीं समझती है, हमेशा मुझे क्रिटिसाइज़ करती है या करता है, जज करता है। तो वो बाहर किसी एक ऐसे इंसान में वो सारी चीज़ें अगर उनको मिलती हैं जो उनको जज नहीं करते, उनको बस सुनते हैं, उनको समझते हैं और उनके साथ टाइम बिताते हैं, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो इंसान क्या है उस इंसान से कनेक्ट हो जाता है और इमोशनली वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है। या फिर ऐसा अफेयर होता है जिसमें फिजिकल जो है वो इंसान एक दूसरे के साथ नहीं होता, शारीरिक संबंध नहीं बनाता है, लेकिन इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है, वो एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। तो इस तरह का अफेयर भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इमोशनल डिपेंडेंसी किसी दूसरे इंसान के ऊपर होना भी सही नहीं है। क्या पता दूसरा इंसान कैसा है और वो फ़ायदा ही उठा रहा है या मिसयूज़ कर रहा है, इस बात का कोई पता नहीं होता। सो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चाहे किसी भी तरह के हैं, चाहे वो कैजुअल अफेयर हैं, चाहे वो रोमांटिक अफेयर हैं, चाहे आपके वो रिवेंज अफेयर हैं, किसी भी तरह का अफेयर है वो सही नहीं है, क्योंकि रिश्तों में जो एक ऑनेस्टी है, ट्रस्ट है, वो बहुत मायने रखता है। जब किसी रिश्ते में जो है वो डिसऑनेस्टी आ जाती है तो वो रिश्ता ख़राब हो जाता है। अगर आपके शादीशुदा रिश्ते में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, अगर आपका पार्टनर या आप खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसे हुए हैं, इस तरह के किसी भी अफेयर में फंसे हुए हैं, तो एकदम से आपको वहीं रुकना है और समझना है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ शादियों को तोड़ते हैं, परिवारों को तोड़ते हैं। अब आपको अपनी जिम्मेवारी को समझना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को वहीं स्टॉप कर देना है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। देखिए, शादी सिर्फ दो इंसानों का मेल नहीं है, जब आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो इन चीज़ों का बच्चों के ऊपर, फैमिली के ऊपर बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है। जब आपके बच्चे ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, घर में इस तरह का माहौल देखते हैं, तो उनकी सारी लाइफ स्पॉइल हो जाती है और आपकी शादी भी ख़राब हो जाती है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर इस तरह के अफेयर में आप चले गए हैं या आपका पार्टनर चला गया है, तो बैठकर बात करें, जो भी आपके इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व करें, उनको वहीं ख़त्म करें, आपके रिश्ते में जो समस्याएं हैं उनको ख़त्म करें और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एकदम से छोड़ दें, इस रिश्ते को एकदम से छोड़ दें, क्योंकि ये सही नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें, और नेक्स्ट वीडियो में भी आप मेरे साथ बने रहें। आपके इस प्यार और सहयोग के लिए थैंक यू।